हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको जो डिज़ाइन बना के दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनेगा दोस्तों। ये आप अपने ब्लाउज पे भी बनवा सकते हैं, कुर्ती पे भी बनवा सकते हैं दोस्तों। अगर ये डिज़ाइन बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो हमें आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हमने वीडियो डाले वो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आइए हम डिज़ाइन को कट करके बना के दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बैक नेक डिज़ाइन बना के दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर गला है दोस्तों। ये दोस्तों, डिज़ाइन बनाने के लिए हमें बुकरम की ज़रूरत पड़ेगी। और ये दोस्तों हमारा ब्लाउज का बैक पल्ला है। तो दोस्तों, इसमें हम बनाएंगे और पहले हम गले को कट करते हैं। तो दोस्तों, ये बुकरम हमने फोल्ड कर रखा है इस तरह से। और दोस्तों, बुकरम की चौड़ाई है 10 इंच और डीप आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से इसकी लंबाई, गले की लंबाई हो उस हिसाब से आप बुकरम को ले सकते हैं। इसमें दोस्तों हम पहले 3 इंच पे ब्रॉडिंग का निशान लगाएंगे क्योंकि बुकरम हमारी डबल फोल्ड है, तो ये ब्रॉड 6 इंच हो जाएगा सिंगल करेंगे तो। ये दोस्तों डीप हम 3 इंच रखेंगे तो हमें इस तरह से नापना है। हम यहाँ से इस तरह से नहीं नापेंगे, इस तरह से नापेंगे डीप, तो 3 इंच रखना है हमें डीप। अभी हमें निशान यहाँ पर ब्रॉडिंग तक लगा देना इस तरह से। और दोस्तों, निशान इसका जो गले की शेप है थोड़ा सही से लगानी है इस तरह से। दोस्तों, इस गले को हम कट करेंगे तो हमें इस तरह से गले को कट कर देना है। ये दोस्तों गला हमें इस तरह से पहले कट कर लेना है, उसके बाद में हम इसके नीचे के गले को कट करेंगे। दोस्तों, हमें यहाँ से डीप नापना है। डीप है 10 इंच, तो दोस्तों हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और दोस्तों, हमें इसमें शेप देनी है गले की कुछ इस तरह से। और दोस्तों, हम शेप इसी के बगल से देते चले जाएंगे। हमें पहले ये जो नीचे की साइड का है थोड़ा यहाँ से राउंड ऐसे इस तरह से करना है, हल्का सा राउंड बिल्कुल इस तरह से। अब दोस्तों, इसमें हम शेप देंगे तो दोस्तों इस गले के बराबर से हम निशान लगाएंगे। हम पहले थोड़ा सा हल्का सा निशान लगाएंगे इस तरह से, हमें निशान लगाना है। अब इसे हम डार्क कर देंगे। और दोस्तों, अभी हमें निशान इसका इस साइड से इस तरह से लगाना है कुछ। दोस्तों, इस तरह से हमें शेप देनी है गले की। अभी दोस्तों, ये हम पहले ये गला कट करेंगे, उसके बाद में इसका कट करेंगे, फिर इसके बाद में इसका कट करेंगे। और दोस्तों, अगर ये आपके छोटे बड़े हो रहे हैं तो इन्हें बिल्कुल बराबर सेम कर लेना है। तो हम पहले एक ये कट कर लेंगे, उसके बाद में अगर देखते हैं कि ये छोटा लग रहा है तो हम उसे दूसरे बुकरम में कट कर लेंगे, क्योंकि ये छोटा इधर थोड़ा हमारा बुकरम का दबाव कम बच रहा है, तो इसलिए हमने निशान लगा के तो देख लिया लेकिन हमारा कुछ साइज़ समझ में नहीं आ रहा, दबाव कम होने की वजह से हम दूसरे में कट कर लेंगे। तो ये हम पहले कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब दोस्तों, ये पैटर्न को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे और ऊपर का दबाव देखेंगे बराबर है कि नहीं। तो ये बराबर आ रहा है दबाव, तो हम पहले थोड़ा सा कट लगाएंगे इस तरह से, उसके बाद में हम बुकरम को इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में हमें गले की शेप के हिसाब से कट करना है। अगर आपका निशान लगाने में थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो कट करने में इसे सही से करना है कट। ये दोस्तों, हमें इसमें दबाव ज़्यादा नहीं रखना है बुकरम में ज़्यादा, क्योंकि इसकी गले के जो बीच में हमारा कपड़ा बचेगा वो बिल्कुल थोड़ा सा बचेगा जब ये हम बनाएंगे, तो इस हिसाब से हमें रखना है दबाव। ये ज़्यादा चौड़ा बुकरम नहीं होनी चाहिए, पतली बुकरम होनी चाहिए। अगर ये हमें चौड़ी लगती है थोड़ी सी तो हम इसे और पतला कर लेंगे।
हम पहले बुकरम लेंगे और दूसरी। तो दोस्तों बुकरम हमने ले लिए, ये हमने डबल फोल्ड कर रखा है इस तरह से। अब दोस्तों जो ये पैटर्न हमने कट किया है, तो हमें ये ऐसे चार गले चाहिए पैटर्न। तो हम क्या करेंगे, हमने ये डबल फोल्ड किया, इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो हमारे चार पैटर्न इसमें निकल आएंगे गले के। अब दोस्तों हम इस पैटर्न को इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, हम दोनों तरफ का दबाव बराबर रखते हुए दोस्तों निशान लगाएंगे। तो हम पहले अंदर के साइड का निशान लगाएंगे। और दोस्तों ज़्यादा हमारी बुकरम ना हो चौड़ी, इसलिए हम बाहर का भी निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब इसे हमें कट कर लेना है, हम पहले बाहर का कट कर देंगे। ये दोस्तों हमें जिधर से हमारी ये बुकरम जुड़ी हुई है, हम पहले इधर का नहीं कट करेंगे, क्योंकि ये बुकरम गला कट करते टाइम इधर उधर हो सकती है। और दोस्तों हमें ये जो बीच का दबाव निकालना है, हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। तो इससे क्या है कि ये बिल्कुल बुकरम इधर उधर नहीं हटेगी। नहीं, ये दोस्तों चार पैटर्न निकालने हमारे, तो थोड़ा बहुत इधर होगी तो छोटे बड़े हो जाएंगे। तो हमें इस तरह से पहले हम सिलाई लगा लेंगे इसमें, इस तरह से सिलाई लगा लेना है। अब दोस्तों हम इसके बाहर का मार्जिन एक्स्ट्रा वाला कट कर देंगे इस तरह से। अभी दोस्तों हम पहले बीच में इसे कट लगा देंगे, और कट लगाने के बाद में हम यहाँ से निशान तक ले जाएंगे, और निशान से इस तरह से बिल्कुल निशान के बराबर से कट करना है हमें। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हमने ये कट कर लिया है। अभी दोस्तों हमारे चार पैटर्न हैं, एक पैटर्न, दो पैटर्न, तीन पैटर्न, चार पैटर्न। अब ये दोस्तों हम कपड़े में इन्हें पहले फिक्स कर लेंगे। और तो दोस्तों लेकिन हमें ध्यान देना है कि दो पैटर्न हमारे इस तरफ को आएंगे ऐसे, और दोस्तों दो पैटर्न इस तरह से आएंगे। तो दोस्तों छोटे बड़े नहीं है कोई भी पैटर्न, तो हम कोई भी किधर का भी रख लेंगे, लेकिन हमारा जो घुमावपन है तो एक जैसे आना चाहिए, दो पैटर्न के एक एक तरफ को और दो पैटर्न को एक तरफ को। और दोस्तों जो बीच का हमारा पैटर्न है तो वो यहाँ पे आएगा इस तरह से। तो दोस्तों हमारा बन जाएगा कुछ, दोस्तों गले की शेप कुछ इस तरह से आएगी। अब दोस्तों हम इसे बना के दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये हमारा कपड़ा है, हम पहले ऊपर वाला गला इस तरह से जमाएंगे कपड़े में। उसके बाद में हमें अभी दोस्तों हमें पहले कपड़ा कट कर लेना है कि हमारे दोनों पैटर्न एक में आ जाए। अभी दोनों पैटर्नों को हम अलग अलग करके इस तरह से, क्योंकि हमारे दोनों पैटर्नों की शेप एक जैसी आनी है, तो इन्हें हम पहले एक ही कपड़े में रख के इस तरह से हमें दोस्तों यहाँ बीच में कपड़े का गैपिंग देनी है, क्योंकि यहाँ से कट करके अलग अलग करना पड़ेगा ये हमारे पैटर्न। तो हम सिर्फ जमा रहे हैं अभी कपड़े में। ये हमारी दोनों नोक जैसे इधर का जा रही है, तो इसकी भी हमारी नोक इधर को ही जानी है। दूसरे पैटर्न में भी हमें गले के अंदर की तरफ से सिलाई लगा के अटैच करना है। ये दोस्तों दोनों पैटर्न हमने अटैच कर लिए कपड़े में। अब इसी तरह से हमारे जो दो पैटर्न ये वाले हैं, अभी दोस्तों इस तरफ को इसका हमें शेप देनी है, जैसे हमने शेप इसकी इस तरफ को दी है, अब ये दोनों पैटर्न की इस तरफ को शेप देना है। दोस्तों इसके दोनों नोक हमारे इस तरफ को आ रहे हैं, अब ये दोनों पैटर्न के नोक हमें इस तरह को करना है, तो दोनों आमने सामने हो जाएंगे। दोस्तों इन पैटर्नों को भी हम कपड़े में अटैच कर लेना है हमें। और दोस्तों हमें इस तरह से कट कर लेना है।
कट करने के बाद में हम कपड़े को इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये दोस्तों हमें इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरह से कट करके हमें यहाँ नोक पे बिल्कुल फिनिशिंग से फोल्ड करना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया कपड़े को। अभी हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम सभी पैटर्न तैयार कर लेने हैं। तो दोस्तों ये हमने चारों पैटर्न इस तरह से कपड़े में अटैच कर लिया है। अब दोस्तों हमारा एक पैटर्न और बचता है, वो दोस्तों हमारा ये बीच का पैटर्न है, तो इसे भी हम कपड़े में अटैच कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम पैटर्न को रखेंगे कपड़े में और बीच में हम सिलाई लगाते हुए इसे अटैच करेंगे। और अटैच करने के बाद में हम इस कपड़े को इस तरह से ऊपर से बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन हमें कट कर देना है। इसी तरह से हम इस साइड का भी कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये बीच वाले पैटर्न को भी कपड़े में अटैच कर लिया है। अब दोस्तों हमारा ये बचा गला, तो गले को भी हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके गले को भी तैयार कर लेंगे। इसका भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देना है। इस गले में हमें इस तरह से बीच सेंटर में कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद में दोस्तों हम पहले इस गले को बनाएंगे। तो दोस्तों हमारे बैक का पल्ला है, अब इसमें हम पहले जो ऊपर का गला हमारा है सिर्फ हम उसे पहले बनाएंगे। तो दोस्तों बीच सेंटर से बराबर रख के हम गले के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा के गले को हमें फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। तो दोस्तों इसका हम एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देंगे और इस तरह से हमें कट लगा लेना है। अब इस गले को अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है लब पे। ये दोस्तों हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है इसमें। अब दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे बीच सेंटर का पैटर्न है इस तरह से हम पहले बीच वाले को बनाएंगे। तो दोस्तों ये पहले बीच वाला सेंटर पे हमें रखना है पैटर्न। ये दोस्तों हमें इस तरह से पैटर्न रखना है और बीच सेंटर पे हम सिलाई लगा के इसके बुकरम के किनारे किनारे से सिलाई लगाते हुए हम इसे भी पलट देंगे अंदर की तरफ। तो दोस्तों इस तरह से हमने सिलाई से गले को अटैच कर रखा है। अब ये बीच का मार्जिन हमें कट करके निकाल देना है। एक पैर का दबाव रख के हम कट करेंगे। अब दोस्तों पूरे गले में अंदर की तरफ हमें इस तरह से कट लगा देना है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम अंदर की तरफ फोल्ड करके और दोस्तों इसमें भी हम गले के किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से दोस्तों हमें सिलाई लगा देनी है। अब दोस्तों अब ये पैटर्न हमें देखना है किस हिसाब से किधर को सेट होंगे, उसी हिसाब से हमें पैटर्न रख के सिलाई लगानी है। तो हम पहले दो पैटर्न तो दोस्तों ये पैटर्न हमारे कुछ इस तरह से रखे जाएंगे कि हमारा दबाव ये यहाँ से जो नीचे से आएगा तो एक बराबर से आएगा, उसके बाद में जो हमारा ये इस तरफ को जो पत्ती का झुकाव है तो इस तरह से आएगा, तो यहाँ से चौड़ा होता जाएगा
हमारा यहाँ से दबाव एक बराबर आना चाहिए बिल्कुल, तभी इस डिज़ाइन की शेप अच्छी लगेगी। तो हमें इस तरह से रखना है पैटर्न, दूसरा पैटर्न भी हमें इस तरह से रखना है। तो दोस्तों हम पहले ये पैटर्न को सिलाई लगा के अटैच करते हैं, उसके बाद में दूसरा पैटर्न अटैच करेंगे। तो हमें इस तरह से पैटर्न रख के सिलाई लगानी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसका भी हम मार्जिन कट करके, जैसे हमने ये गले को पलटा है, इसी तरह से हम इसे भी एक्स्ट्रा मार्जिन बीच का कट करके पलट देंगे। तो हम कुछ इस तरह से पहले कट लगाएंगे इसमें, और एक पैर का मार्जिन रख के इस तरह से कट करके मार्जिन निकाल देना है बीच का। तो दोस्तों इसमें भी हमें कट लगा देना है इस तरह से। दोस्तों हमारी सिलाई कटनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, इस तरह से कट लगाने हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने पलट लिया है, और दोस्तों इसके बिल्लप पे हम सिलाई लगा देंगे। दोस्तों इस तरह से हमें इसके किनारे किनारे गले के सिलाई लगा के इस गले को भी हम पलट देंगे। दोस्तों इसी तरह से जैसे हमने इसका मार्जिन कट करके गले को अंदर की तरफ पलट दिया, इसे भी उसी तरह से पलट देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने पलट लिया, इसके भी गले के किनारे से हम सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से कुछ एक तरफ का हमारा डिज़ाइन आएगा। दोस्तों जिस तरह से हमने ये इधर के गले बनाए हैं, इस साइड भी हमें उसी तरह से बना लेना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये पैटर्न को जमा लिया है, इसका भी मार्जिन बीच का कट करके हम अंदर की तरफ पलट देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसे पलट लिया है। अब दोस्तों हमें इस गले का भी शेप देखनी है, और इस गले को भी हम इस तरह से रख के, दोस्तों ये हमारे सब गलों की एक जैसी बराबर शेप आनी चाहिए। जैसे हमने दोनों पैटर्न इस तरफ पलटे हैं, उसी तरह से हमें इधर के भी पलटनी है। गैपिंग हमारी यहाँ की भी बराबर होनी चाहिए, यहाँ की भी बराबर होनी चाहिए, जैसे इस साइड के बराबर है। दोस्तों इस तरह से हम रखेंगे, और जो हमारी गैपिंग है यहाँ की आ रही है, 2 इंच 3 सूत आ रही है। दोस्तों तो इधर की भी हमारी गैपिंग 2 इंच 3 सूत आनी चाहिए, इस तरह से हम ये नाप लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस पैटर्न को भी जमा लिया है, इसका भी मार्जिन हम कट करके इसे भी अंदर की तरफ पलट देंगे। दोस्तों ये गला हमारा होता है कंप्लीट यहाँ पे। दोस्तों अगर एक गला बनाने में कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो दोस्तों अगर ये गला आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।